हाय कप्रीता, सो मैं फिर से आपके सामने आई हूँ अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों तो बहुत बहुत थैंक्स मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों तो ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखे, तो आइए चलते अपने वीडियो की ओर। क्या आप भी अपने बालों के साथ ऐसा करते हो? क्या आप अपने बालों को बिना तेल लगाए शैम्पू करते हो? क्या आपके बाल बहुत रफ है? क्या आपके बाल काफी पतले बेजान जैसे दिखते हैं? क्या आपके बालों में चमक नहीं है, रेशमी मुलायम बाल नहीं है? तो उनके लिए क्या करना चाहिए, मैं आज के वीडियो में आपको यही सब बातें दिखलाने वाली हूँ। क्या आप जानते हो कि मेरे बाल ज्यादा काफी घने नहीं हैं और बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं हैं, तो मुझे लंबे और घने बालों का काफी शौक रहा है। लेकिन अब क्या करें, जो बाल भगवान ने जैसा दिया है बस उसी का देखभाल करना होता है। दोस्तों तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं आपको हेयर टिप्स बता रही हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अपने बाल तो देख लो पहले, उसे तो घने करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बस एक चीज। वो एक चीज क्या है, वो आप उसे देखो, उसे अपने तेल में डालो और बालों को वायरिंग करो, बालों में लगाओ, आपके बाल काफी सुंदर मुलायम चमकदार होंगे। तो दोस्तों आज यही टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं बालों में क्या डालती हूँ, बालों के जो मैं अपने बालों का वायरिंग करती हूँ तो उसमें क्या डालती हूँ। तो दोस्तों ये सीक्रेट है और ये सीक्रेट जानने के लिए आपको मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों तो बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की ओर। दोस्तों तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियो इसको स्किप करोगे तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज मिस करोगे, लेकिन हाँ अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हो तो उसे प्रॉपरली सही ढंग से हर एक स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। साप्ताहिक जो आपका हेयर केयर होता है, अब जिस तरीके से बहुत लोग हफ्ते में दो बार हेयर शैम्पू करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में तीन बार करते हैं, कुछ लोग पर डे करते हैं, तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि मैं हफ्ते में एक बार शैम्पू करती हूँ संडे के संडे, और मैं सैटरडे को वॉइलिंग करती हूँ अपने बालों में जो भी लगाने होते हैं। दोस्तों तो मैं सबसे पहले इसके लिए लेती हूँ तेल, जो कि अनियन बेस्ड तेल होता है, जिसमें कि पहले से अनियन का जूस मिला रहता है। वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं बहुत सारे कंपनी के, चाहे वो बॉस के हो, ममा अर्थ के हो, या जो बहुत सारे अनियन बेस्ड तेल होते हैं, तो मैं उनको यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बाल काफ़ी झड़ते हैं, काफ़ी पतले हैं, तो उसके लिए मैं अनियन बेस्ड हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसे अपने जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैं अब तेल कटोरी में ले रही हूँ, उसके बाद मैं उसमें डालूंगी एक बहुत बड़ा सरप्राइज, तो वो अभी आजकल सरप्राइज नहीं है। उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो विटामिन ई के कैप्सूल्स, चूंकि मेरे बाल छोटे हैं पतले हैं, तो मैं इसमें एक कैप्सूल ही डालूंगी। अगर आपके बालों के लेंथ और आपके बालों का डेंसिटी के अकॉर्डिंग आप उसमें कैप्सूल की संख्या बढ़ा या घटा सकते हो। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि मैंने उसमें विटामिन ई का वो कैप्सूल डाला है। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी दही। जी हाँ दोस्तों, मैं हर एपिसोड में आपको बताती हूँ कि दही आपके स्किन से लेकर आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसमें मैं दही डाल रही हूँ। अगर मैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं अनियन बेस्ड हेयर ऑयल नहीं यूज़ कर रही होती तो मैं इसमें प्याज का रस भी डालती हूँ, अनियन का जूस, जो कि घर में आपको उसे छील कर कद्दूकस करके उसे निचोड़ कर निकाल लेना होता है, तो वो भी आप घर में आसानी से निकाल सकते हो अगर आपके पास ऑनियन बेस्ड हेयर ऑयल नहीं है तो। चूंकि इसमें मैंने अनियन बेस्ड हेयर ऑयल यूज किया है, इसलिए मैं इसमें अनियन स्किप कर रही हूँ। तो मैं इन तीन चीजों को मिला के अपने बालों को मसाज देती हूँ। मसाज देने के बाद मिनिमम 2 घंटे तो आपको रखने ही होते हैं। अगर आप रात में हेयर ऑयलिंग नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट डे जिस दिन आप हेयर वॉश करने वाले हो, आपको उस दिन मॉर्निंग में उठकर आपको इतना कम से कम 2 से 3 घंटे आपको देने होंगे बालों में। तो आप अगर रात में नहीं कर पा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग आप उठकर सबसे पहला काम करो कि बालों में आप लगा लो ये सारी चीजें, और उसके बाद जो भी आपके काम होते हैं वो आप करो। 2 से 3 घंटे बीतने के बाद आप उसे ठंडे पानी से आराम से बाल वॉश कर सकते हो, साथ में शैम्पू कर सकते हो। शैम्पू के लिए कोई ये नहीं है, आप जो भी शैम्पू यूज करते हो जो आपके बालों को सूट करता है वो आप लगा सकते हो। दोस्तों तो देखो मैंने अपने बालों को धो लिया है, धोने के बाद देखो काफी सॉफ्ट महसूस हो रहे हैं, मुझे अपने बालों को छूना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं काफी अच्छे से इसे, पहले तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मैं अपने बालों को नहाने के बाद भीगा, जैसे भीग कर बाल धोकर मैं निकलती हूँ तो मैं जस्ट कॉम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि बालों को सूखने के बाद कंघी करना चाहिए, लेकिन मेरे बालों में मैं जहां तक देखी हूँ कि मैं अगर बाल को वैसे ही छोड़ दूं तो जिस शेप में रहते हैं उसी शेप में मेरे बाल सूखने के बाद हो जाते हैं।
अपने बालों को सिल्की और स्मूथ रखने के लिए उसे भींगे हुए में ही उसे कॉम करती हूँ और मेरे बाल नहीं टूटते हैं। और जब से मैंने अनियन बेस्ड हेयर वाल लगाना शुरू किया है, मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं वाओ का यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी फायदा हुआ। तो उस कारण से मैं हमेशा भीगे हुए बाल को कॉम करती हूँ, और कॉम करने के बाद जिस शेप साइज में मेरे वो स्ट्रेट रहते हैं बाल मेरे, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह के मैंने चूंकि अभी बाल में हाईलाइट कराया हुआ है, तो आपको नीचे में बाल थोड़े से मेरे आपको दिख रहे होंगे कि ब्राउनिश टाइप का, वो मैंने एक साल पहले हाईलाइट कराया था तो काफी रफ हो गए थे। तो मेरा सजेशन है कि बाल हाईलाइट ये सब केमिकल ज्यादा यूज करने से, चूंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपने बालों पे ज्यादातर केमिकल यूज करा है, तो मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो गए थे, उसी को मैनेज करने के लिए मैं ये सब चीजें लगाती हूँ। दोस्तों, तो हमारा ये YouTube चैनल आपको बहुत पसंद आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत थैंक्स आपका ये सहयोग के लिए। आप मेरे फैमिली के मेंबर जैसा जुड़ते जा रहे हो, तो जैसे जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ और भी अपनी सारी डिटेल शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।